आप जिते घर गरीबी देखी आ गरीबी के नाल बीमारी भी आ घर कौन कौन परिवार जो जी बीमार आते होया की परिवार परिवार यो मेरी धी है जी इनू ठीक नहीं रही तो हूँ ये ठीक दौरे पेंदे आ बहुत धी पुत का बहुत दुख आ इन्ना दुख आ कि जिन्ना कोई कहन की गल अज इन्होंने सुख देना ही जो आप दुख वेखन डे भी घर एक जवान पुत भी आ 22 साल का नौजवान आनू की होया वा वही दिमागी इलाज ठीक है जो की परेशानी कह दी यहो जी इन दवाई दुई तो खवाई दी तो ठीक नहीं रहा तो इतने है भुला वो को दवाई खवाई दी हूँ तो बिच इदा हो जाता जी इदा ही हो जाता जी घर च गरीबी इन्नी आ कि दो इन्हों बच्चों के भी दुखा ने भी खा ही लिया दुख भी दो प्रश्न मेरे हो दो हूँ अखा दे भी हो एक पहला हो एक हूँ मैं इलाज गरीबों को नहीं होंगे जी तुम सियाने जो साढ़े को दवाई दुई माड़ी मोटी खवाई है मैं झूठ मारी तेन दौरे पेंदे कि मूँह चो झिग वगल लग पी शरीर सारा कंबी जाता ए अंग चलते कि जिस तरह मशीन चलती है कि साढ़े को वेखे नहीं जाते उदो सारी सारी रात की इस तरह साड़ी लंघ जाती है तो बाबा जी दुख नहीं लगता भी जे रब ने ला दी आ एक धी दिता एक पुत दिता तो दोवें बीमार ने मैं तो यही बेनती करना भी ये ना दिता तो वह चंगा है जी सत श्रीकाल दोस्तों मैं हाँ थोड़ा दोस्त हरजीत गरेवाल अज असी पहुंचे इनाला के एक नेड़े पिंड तस्वीर विखावे उस घर दियाँ उस परिवार दियाँ जोड़ा कि परिवार पिछले कई सालों तो मंदहाली भरी तो गरीबी भरी जिंदगी बतीत कर रहा तुम ये घर के हालात देख लो एको कमरे में घर के चार जी रेंदे ने जिस तरह दरवाजा है तो घर के हालात किस तरह के ने मियाँ बीबी रेंदे ने एक जवान पुत जो कि 22 साल ही जिसके दिमागी हालात ठीक नहीं आ बिल्कुल सिधरा जहा कहते हैं एक जड़ा धी आ 26 साल की धी जी कि मंजी लंबी पई हुई आ उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है लवप्रीत कौर ना है इस धी का तुम हालात देख सकते हो कि हालात ने दुखा भरी जी जिंदगी बतीत कर रहे हैं ये तस्वीर ने इस घर दियाँ जो कि मिट्टी ना लिंबे हुए ने घर कंधा जीडिया ने नाल ही जोड़ा कि बालिया वाली जी छत आ पिछले कई सालों तो जो परिवार इस तरह जिंदगी बतीत कर रहा घर के मुखिया ने गलबात करते हैं बाबा जी फतेह सांझी करते हैं वाहेगुरू जी खालसा श्री वाहेगुरू जी फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह बाबा जिते घर गरीबी देखी आ गरीबी के नाल बीमारी भी आ घर कौन कौन परिवार का जो जी बीमार आते होया की परिवार परिवार यो मेरी धी है जी इनू ठीक नहीं रही तो हूँ ये ठीक दौरे पेंदे आ तो हूँ इन दवाई खवाई दी जी हूँ ठीक ठीक आ मैंने दसो भी धी का ना की आ पिछले किन्ने साल तो दौरे पै रहे ने कि उम्र धी की 26 लवप्रीत असी देखिया भी घर एक जवान पुत भी आ 22 साल का नौजवान आनू की होया वा वही दिमागी इलाज ठीक है जनू की परेशानी कहती है यहो जी इन दवाई दुई तो खवाई दी तो ठीक नहीं रहा तो इतने है भुला वो को दवाई खवाई दी हूँ तो बिच इदा हो जाता जी इदा ही हो जाता जी तो मेरे दसो 22 साल एक जवान पुत हों काम कार करता इसके की हालात ने कोई काम कार करता कि जो इस तरह रमान के छुप छाप ही बैठा इदा ही बैठा रहा जी रोटी आखी का खा ला तो खा लेंदा जी आखी का भांडे मैं उत्थे चल जाए मिट्टी खिला दो खिला देंदा होर कख नहीं करता जी कितने कितने इलाज कराया हूँ तक किन्ने पैसे लग गए ने इस इलाज वास्ते इलाज गरीबों को नहीं होंगे जी तुम सियाने जो साढ़े को दवाई दुई माड़ी मोटी खवाई है मैं झूठ मारी तेन हाँ जी मैंने दसो भी जवान धी असी देखा भी बच्ची ने तुम रोटी प्रशादा खुद बना के खवा रहे हो घर के सारे काम कर रहे हो भांडे भी मांज रहे हो की हालात की ने धी जी उठ के चल फिर नहीं सकती किस तरह के हालात ने रोटी पानी खा लें कि तुम आप खवाद नहीं मैं आप खवा जी रोटी पानी इन्हों आप खवाई चाह पानी भी आप पियाई जो लैंड जाती उदो भी मैं इन छड के आना जी हाँ जी तो मैंने दसो भी डॉक्टरी इलाज कराया धी वास्ते 26 साल की उम्र हो चुकी है जवान धी हो गई आ किन्ना इलाज कराया डॉक्टर को कितने कितने इलाज कराया किन्ना क पैसा लग गया पैसा तुम चाहे माड़े ने की लाना तुम समझ पैसा नहीं लग पैसा की लाना जी थोड़ा बहुत करा दे हाँ जी हाँ जी नहीं होंगे माड़े को नहीं इलाज होंगे जी बिल्कुल जी तुम देखो भी ये जरा कि परिवार आ ये घर का मुखी आ बाबा अवतार सिंह इसकी इलाज आ रब ने दी एक पुत दिता एक धी दी दोवें ही जोड़े बीमार ने चंकी हालात में ने तो बाबा जी दुख नहीं लगता भी जे रब ने ला दी आ एक धी दिता एक पुत दिता तो दोवें बीमार ने मैं तो यो जी बेनती करना भी ये ना दिता तो वह चंगा है जी यो जाना की फायदा तुम सियाने जी बहुत बहुत कि लगता नहीं रब के नाल गुस्सा गिरा हों जे रब देता
चाहे धी दे दिंदा पर दिंदा ठीक ठाक, उसकी उम्र लंबी होंगी, घर का सारा काम कार सामभदी। हाँ जी मैं तो यो आना दल तुम पता मंजे तो रोटी खाँगी कहे जोगी मैं सेवा ही करन जोगा जी इन्हें। बिल्कुल जी तस्वीर वेख रहे हो घर के की हालात ने घर के मुखिया के, ये जिहड़ा परिवार आ दुखा भरी जी कहानी है दास्तां इस परिवार की आ। उस मां नाल भी गलबात करते हैं, माता जी बहुत दुख वाली गल आ, घर च एक धी भी आ जवान एक पुत भी आ जे रब ने ला दिती आ वह भी जी बीमार आ की कहना चाहोगी? हाँ जी धी पुत वेखो तुहाडे सामने ही आ, कोई ओले वाली गल तो हैगी नहीं गी, बहुत धी पुत का बहुत दुख आ, इन्ना दुख आ कि जिन्ना कोई कहन की गल, अज इन्होंने सुख देना ही जिहड़ा आपां दुख वेखण डे। किस तरह दे दियो जवान तो असी देखिया भी घर का जो मुखिया वा उन्हों का बाप वो खुद घर की रोटी पानी बना रहा पछादा बना के जवान धी नूं खवा रहा वा, 26 साल की जवान धी आ, कि लगता नहीं जे रब ने धी दी सी घर की जिम्मेवारियां सामभदी घर सामभदी तो बंदा बाहर काम कार करता हा, पर बाहर काम कार करन तो समर्थ बैठा घर का जो मुखिया वा वो सारे धी नूं सामभदा पुत नूं सामभदा वा। हाँ जी ये धी नूं भी सामभदे पुत नूं भी सामभदे, मैं स्कूल जानी आ साफ सफाई करन, फिर तुहानूं पता है भी घर आउंदियां नूं इह भी कम ते जाण जिस तरह मैं भी कम ते जावां, ये आपे सौखा होवे जे धी कर घर दा करन जोगी होवे, आपे कम सौखा होवे, आपे घर दी गरीबी कुछ थोड़ी जी परे होवे, घर च गरीबी इन्नी आ कि दो इहनां बच्चियां दे भी दुखां ने भी खा ही लिया, दुख भी दो प्रश्न मेरे होए, दो हुण अखां दे भी होए, एक पहलां होया ई एक हुण मैं अज पंजवां छेवां देणी आ। माता जी कहते भी धी पिछले कई लंबे समय तो दौरे पेंदे ने, ये कि सच्चाई आ कितों कितों दवाई खवाई आ जो तो दौरे पेंदे ने की हालात की हो धी के? दौरे पेंदे कि मुँह चो झिग वगल लग पी, शरीर सारा कंबी जाता, ए अंग चलते कि जिस तरह मशीन चलती आ, कि साढ़े को वेखे नहीं जाते, उदो सारी सारी रात की इस तरह साड़ी लंघ जाती है, बहुत व्डा दुख आ। देख लियो एक माँ वास्ते बहुत दुख की गल होंगी आ जिसकी जवान धी मंजे ते पई होवे, जवान पुत जिसने सुख देना होवे, अज ये जिहड़े बजुर्ग माँ बाप ने इन्होंने सुख लैण दी वारी आ, पर दुखां दा पहाड़ टुट गया वा, कहिंदे ने जिथे घर विच गरीबी आ उत्थे घर विच बीमारी आ जाए तो घर दे भांडे तक विक जांदे ने, माता जी इहदे विच किन्नी सच्चाई आ? हाँ जी भांडे भी विक जांदे आ, फिर तुहानूं पता ही आ हर वक्त टेंशन रहिंदी आ भी आ कितना होगा कितना होगा, बच्चियां दी भी टेंशन रहिंदी आ भी अज साडे बच्चे सियाणे आ हुण विआहुण जोगे आ, धी भी विआहुण जोगी आ पुत भी विआहुण जोगे, पर बच्चे चजदे हुंदे सानूं भी थोड़ा जिहा सुख हुंदा। लगता नहीं माता जी जदों धियां पुत होए सी बड़ियां मन च अरदासां सी बड़े मत्थे टेके सी भी परमात्मा ने औलाद दित्ती आ ते रब दा बहुत शुक्र कीता होगा, बड़े लड्डू वंडे होंगे भी शायद साडा बुढ़ापे च सहारा बन गए, पर असीं देखिया भी अज तुसीं सहारा बने उस बच्चियां दी, अज इही सहारा इन्हां दे बने आ, हुण इत्थों सीधा भी सोच आउंदी आ भी कल नूं साडा घड़ी दा नहीं शुगर मरीज, घड़ी दा नहीं पता बीपी शुगर दा मरीज आ, घड़ी दा नहीं पता कल नूं ये कितना करनगे, इन्हां दा सहारा कौन होएगा, अज ते अहीं आ, इह सीधा बच्चा है, बड़ी लंबी सोच मैं उन्नी सोच सोचदी हाँ कि बहुत लंबी आ कि दस ही नहीं सकदी, रात भी सोचां च दिने भी सोचां च, फिर मेरा बीपी ते शुगर वध जांदा फिर परेशानी दे नाल। माता जी साडे जिहड़े समाज सेवी ने NRI ने जिहड़े तुहानूं देख रहे ने तुहाडी खबर नूं की अपील करना चाहोगे की बेनती करना चाहोगे उहनां नूं? बेनती आ कि इन्हां दा घर बूआ सोहणा बन जाए, ये वो जने पे साढ़े को नहीं पया तो इन्हों का दवा दारू हो जाए, जे साढ़े को दवा दारू भी नहीं गा होया इन्हों का, क्यों घर च तो गरीबी कितों दूसरा होना भी रोटी नूं तरसते फिरते हैं तो रोटी नहीं पूरी लेंदी तो इन्हों का दवा दारू किस तरह ना अपना होंगे ना इन्हों का होंगे वा। माता जी डॉक्टर की दसते हैं ये जो जवान पोत आ जिसका नाम सुख आ, कहते भी सुख सोचा सी भी पुत होगा सुख लवेंगे, पर की लगता नहीं भी दुख दुखों का पहाड़ टुट गया वा, ना जरूर सुख रखिया वा पर सुख मिल नहीं रहा बच्चों को? नहीं सुख तो दुख बहुत ज़्यादा जो सुख तो है ही नहीं, औलाद वालों भी नहीं सुख तो घर वालों भी नहीं गई सुख, जो घर वाल वेखिए भी घर भी नहीं बन चुका तो जो औलाद वाल वेखी दा औलाद वालों भी दुख आ भी ये की बनूगा इन्हों का, मैं तो यह आनी हाँ कि इन्हों जो इलाज हो सकता है वो जने कि इलाज हो जाए, अही किन्ना कि जने बच्चा बेचारा की करूगा, हुण तो साडा सहारा कल नूं इहदा सहारा कौन बनेगा?
बहुत धन्यवाद जी। तुम देखिए भी ये जी माँ है कि बेबस माँ आ जिड़े कि अपना दुख जरा बयान कर रही आ जिथे घर च गरीबी आ उत्थे घर बीमारी भी आ। तुम देख रहे हो कहें भी घर च गरीबी कट्टी जा सकती है पर बीमारी नहीं कट्टी जा सकती। कहें भी बीमारी के नाल नाल घर के भांडे तक बेच देंगे यो हालात इस परिवार के हो चुके हैं। तुम देख रहे हो तस्वीरों में वो जी जवान धी आ 26 साल की जिसका नाम लवप्रीत आ एक जरा पुत आ 22 साल का जिसका नाम सुख आ पर कहें भी सुख नहीं मिले परिवार को माँ बाप का अभी भी कहना भी दुख ही मिल रहे सानू हालात पक्षों मिले ने घर च गरीबी मिले ने। तो हूँ गलबात करांगे इस नौजवान के नाल भी जिस नौजवान ने सानू इस परिवार के नाम मिलाया राणा बाल। राणा बाल जी साडे नाल गलबात करांगे। राणा जी सब तो पहला बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है साडे चैनल। हाँ जी धन्यवाद जी गरेवाल साहब जिहड़ा एक छोटे जे मैसेज ते तुसीं इस परिवार की आण के दास्तान सुनी अते दुख वंडिया ते दुख वंडिया ही घटदा है ते तुसीं आण के परिवार दे आण के सारी स्टोरी जां कहानी कीती। राणा जी कहिंदे ने भी गरीबी कट्टी जा सकदी आ पर घर च बीमारी नहीं कट्टी जा सकती। जिवें पहलो गल की कहिंदे बीमारी आ जाए घर च ते घर दे भांडे तक विक जांदे ने इहो हालात इस परिवार दे बणे होए ने की कहणगे। वेखो गरेवाल साहब चलो एक पास्यों इंसान दुखी होवे ना वो दे चल जूगा जदों सारे पास्यों इंसान दुखी आ ते वो की करूगा। बीमारी इत्थे आ गरीबी इत्थे आ बुनियादी लोड़ां तो ये परिवार वांझा आ सारा परिवार ही तकरीबन मैं कह सकदा कि मैडिकल प्रॉब्लम दे विच ही आ कोई स्थिर नहीं हैगा। किस तरह देखदे हो एक जवान धी आ 26 साल की जिन्हें कि घर की सारी जिम्मेवारी सामभनी सी एक जवान पोतिया 22 साल का जिसका नाम सुख रखिया पर परिवार को माँ बाप ने सुख नहीं मिलिया। अज भी परिवार दुख भरी जिंदगी बतीत कर रहा कि लगता नहीं जो हर टाइम इस परिवार के जो जी घर आते हैं आके देखते भी धी मंजे तो लम्मी पई है ही आ पुत बिल्कुल सीधा जहा वा उसको पता ही नहीं दुनियादारी का कि लगता नहीं कि परिवार दुखों का पहाड़ टुट जाता परिवार। गरेवाल साहब मैं पिछले दिन जो इतने बारिश हो रही थी मैं आया से ना जो आके मैं इतों के हालात देखे भी इतने अंदर सारा पानी भरया पिया से उत्तों कोठा चोरिया से बाबा जी मेरे लागे बैठे। मैं बाबा जी ने जो मैं परिवार की गल शेयर की भी बेटी क्यों मंजे पई है तो बेटा क्यों साइड से होकर बैठा तुहाडे नाल कोई हैल्प क्यों नहीं कराया। इन्हां दे अखां दे विचों गलेडू आ गए तो इन्होंने सारी ये गल दसी भी जदों माँ प्यो दे बच्चे जिहड़े आ जवान बीमार जां मंजी ते बैठे होना वो माँ प्यो नूं ही पता हुंदा भी उन्हां दे की बीतदी आ हैं। तो मैं की कारण की बनिया कहिंदा भी राणा वीर इन बुनियादी लोड़ां कह सकते मैडिकल तो ही मेरे बच्चे जिहड़े आ घर की गरीबी होण करके पूरा इलाज नहीं हो सकिया। मैं बाकी इन्हां वीरां नूं इहो कहना चाहुंदा भी आपां रल मिल के इस परिवार की बांह फड़ीए है ना तो इस परिवार तक तुसीं पहुँच करो रल मिल के इन्हां बुनियादी लोड़ां इन्हां दी कंप्लीट करिए। जिहड़ा मैडिकल इन्हां नूं कोई ट्रीटमेंट देण वाला उह इन्हां दा आपां ट्रीटमेंट कराइए जिहड़े अपनी सुख की जिंदगी बतीत कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी गलबात कीती राणा बाल जिहड़ा कि इस परिवार दे नाल सानूं मिलाया वा इस परिवार ने दुख साझा किया वा तो साड़ी भी दर्शकों अपील है भी इस खबर को वो तो वह शेयर जरूर कर दौ ता जो कि उस समाज से भी उस NRI वीर तक हाथ पहुँच सके। जो परिवार है दुखी भरी जी जिंदगी बतीत कर रहा वा इन्हों जो दुखों का अंत हो सके परिवार हमेशा ही जरा पहली तरह उसके जो बच्चे ने वो ठीक हो जाए सुख भरी जिंदगी जी बतीत कर सके। मैनू दौ इजाजत मैं थोड़ा अपना हरजीत गरेवाल अमृतसर तो।